कोरोना संकट के बीच अमेरिका के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे मुलाकात। वैक्सीन निर्माता कंपनियों से भी हो सकती है बातचीत। वैक्सीन के कच्चे माल की आपूर्ति तेज करने पर जोर। यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस से भी मिलेंगे एस जयशंकर। अमेरिका ने कहा कि वैक्सीन की 8 करोड़ डोज दूसरे देशों को देंगे। अमेरिका से जल्द वैक्सीन सप्लाई पर भी बात हो सकती है। एंड प्लीज डोंट मिस्टेक दिस फॉर समथिंग एल्स, ये पहली मुलाकात होगी ब्लिंकन और एस जयशंकर की इन पर्सन जब से यूएस का नया एडमिनिस्ट्रेशन आया। कुमार कुंदन, क्या जानकारी इस खबर पर? देखिए, आपको याद होगा कि फरवरी में अमेरिका ने क्या किया था कि वैक्सीन बनाने के लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत होती है उसके निर्यात को उन्होंने रोक दिया था घरेलू उपयोग को ध्यान में रखते हुए। और भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भारत को अमेरिका से बात करनी चाहिए इस पूरे मामले में ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल मिल सके जिससे कि हम अपना उत्पादन और ज़्यादा बढ़ा सकें। ये तो एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे पहलू हैं जिसमें कि डॉक्टर एस जयशंकर वहाँ जाके बात करने वाले हैं। इसमें मॉडर्ना फाइजर के बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत शामिल है। उनकी परेशानी ये है कि वो केंद्र सरकार से बात करके ही फिर वैक्सीन को हिंदुस्तान में अलाउ करना चाहते हैं। उसके पीछे उनकी कुछ शर्तें हैं इन कंपनियों की, जबकि भारत के पास अपना एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज है और भारत उस रेगुलेशन के आधार पर ही किसी भी वैक्सीन को। मैं वो शर्तों बता देता हूँ, आप संकोच न करें। वो वही शर्त है भारत की। फाइजर चाहता है कि अगर उसकी दवाई से कोई साइड इफेक्ट होता है तो फाइजर को कोई भी कोर्ट में घसीट के ना लेकर जाए। यही वो फाइजर ने कंडीशन रखी थी ब्राजील के सामने और ब्राजील ने कह दिया था कि भाई हम तुम्हारी मेडिसिन लेंगे ही नहीं। लेकिन ये कंडीशन इजराइल ने नहीं रखी, लेकिन इवेंचुअली ब्राजील को फाइजर से मदद लेनी पड़ी क्योंकि ब्राजील तो एकदम सड़कों पर आ गया, घुटनों पर आ गया है, क्योंकि वहां के लोगों की केयरलेसनेस थी। लेकिन अब मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ विष्णु सर मौजूद है। सर, मुझे एक चीज समझाइए सर, आप ये बहुत क्रूशियल स्टेज में दोनों कंट्रीज का अलायंस होगा और हमारी क्वाड को लेकर बातचीत हो चुकी है जिसके आपके तमाम बड़े ही शानदार पीसेस मैंने अभी पढ़े हैं हाल फिलहाल में, लेकिन जो जियो स्ट्रैटेजिक अलायंस वॉर फ्रंट पर है वो मेडिसिन पर पहली बार करने की नौबत आई है। पहली बार मेडिसिन पर, अभी तक हम सिर्फ अमेरिका से झगड़ा ही कर रहे थे कि हमने वहां के जो घुटने हैं, जो वो नी ट्रांसप्लांट को लेकर हमारा झगड़ा हुआ उनसे, हार्ट के जो वॉल्व को लेकर झगड़ा हुआ उनसे, दवाइयों को लेकर झगड़ा हुआ उनसे। यहां पर सिचुएशन एकदम बदल गई है, कैसे आगे लेकर जाएंगे इसको सर? मुझे निशांत जी, इस पर कोई संदेह नहीं है कि जो हेल्थ सेक्टर है और या वैक्सीन है या WTO से जो वेवर है, इसमें अमेरिका और हम इकट्ठे काम करेंगे। ओके। क्योंकि आपने जो क्वाड का जिक्र किया, क्वाड समिट में जो मार्च में हुआ था उसमें भी ये बात हुई है कि भारत 1 बिलियन डोजेस बनाएगा 2022 में, तो ये कोऑपरेशन हमारी बिल्कुल बढ़ेगी। इसमें थोड़ी सी चूक हो गई थी अमेरिका से, उनको समझने में या जो भी समझने लेट हो गया, पर उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत से, जतन से भारत का साथ दिया है, तो ये कोऑपरेशन हमारी बढ़ेगी। एक चीज़ मैं थोड़ा हटके ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैं जनरल सिन्हा की बहुत इज्जत करता हूँ, पर यह कहना कि हमको इस वक्त जाके टिबेट में कुछ खुराफात करनी चाहिए या कि इन चीन के साथ और करना चाहिए, इस पे मैं सहमत नहीं हूँ। अभी हमारी क्षमता जैसे जैसे बढ़ेगी तो हम करेंगे, अभी हमको अपना देश संभालना है। ये इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमारी पास क्षमता है। पहला अपना फ्रंट जो है उसको सिक्योर करना है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे थे जब मैंने फाइजर का जिक्र किया। सर, योर टेक वेरी क्विकली। फाइजर से नहीं, मैं आपका ध्यान और अपने डिफेंस एक्सपर्ट और विष्णु प्रकाश का लगाना चाहता हूं। देखिए, चाइना के पास इस वक्त वैक्सीन के रूप में एक बहुत बड़ा हथियार उनके हाथ में आ गया है और वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश को, आप देखिए श्रीलंका को, वो वैक्सीन उनको दे के उनके सी पोर्ट्स को काबू में ले रहे हैं जिससे कि वहां पे अपना वो डिफेंस ना केवल लद्दाख या भूटान की साइड से आपको अटैक कर पाए बल्कि दूसरे एरिया से भी आपको अटैक कर पाए। और जहां तक कि विष्णु प्रकाश जी ने बात करी है कि फाइजर और मॉडर्ना से हमारा ये बढ़ेगा, करार बढ़ेगा, और देखिए इसमें 5-6 महीने से पहले नहीं कुछ भी हो पाएगा। आपका IPR ट्रांसफर होना है, आपकी फैक्ट्री सेटअप होनी है, आपके ट्रायल्स होने हैं, ये बहुत ही धीमी प्रोसेस है।
हम लोगों ने वो ट्रेन मिस कर चुके हैं 2022 के अंदर। ठीक है, श्योर, आप जरूर उस चीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, लेकिन इस वक्त 6 महीने बहुत ही क्रिटिकल हैं। उसमें मॉडर्ना और फाइजर आपको तूल नहीं देंगे। आप कोशिश कर लीजिए, मोदी जी, जयशंकर जी, हर्षवर्धन जी, आप बैकिंग बॉल के साथ उनके सामने हैं, जैसे ब्राजील और अर्जेंटीना थे। तो आपके पास कोई चारा नहीं है अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जिसके लिए कि कोवैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है, SII वाले प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और दूसरी आ रही है फाइजर और मॉडर्ना, तो इधर हैवीली प्री बुक्ड, वो पहले ही बुक हो चुके हैं अपने 1 साल के लिए। उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं इस वक्त आपको। ओके, पॉइंट टेकन सर, हैवीली प्री बुक्ड है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।